हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मेरी ठाकुर हमारे चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सर्दियों में अपनी त्वचा को ड्राई होने से बचाने के लिए और ग्लोइंग रखने के लिए कुछ आसान से टिप्स। वीडियो पसंद आने पर एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। टिप्स नंबर वन, सर्दियों में त्वचा को मॉइस्चराइज करना बहुत ही ज़रूरी है। यह हमारी त्वचा को हाइड्रेट रखने में हेल्प करता है। अगर आप नेचुरल मॉइस्चराइजर यूज़ करना चाहते हैं तो आप कोकोनट ऑयल, एरंडी का तेल या फिर जैतून का तेल यूज़ कर सकते हैं। टिप्स नंबर टू, सर्दियों के मौसम में हम पानी कम पीते हैं क्योंकि हमें प्यास कम लगती है। कम पानी पीने से बचना चाहिए, इससे आपकी त्वचा रूखी सुस्त बन सकती है और त्वचा अपनी चमक भी खो सकती है। टिप्स नंबर थ्री, सर्दियों में हम गर्म पानी से नहाना पसंद करते हैं। इससे हमारी मांसपेशियों को आराम मिलता है, लेकिन इसी गर्म पानी से अगर आप अपना चेहरा भी धोते हैं तो यहाँ की त्वचा संवेदनशील होने की वजह से बुरा प्रभाव पड़ता है। आपकी त्वचा रूखी और परतदार बन सकती है, इसलिए चेहरे की त्वचा को गुनगुने पानी से धोएं। टिप्स नंबर फोर, यहाँ पे मैं एक फेस पैक बता रही हूँ जिसके लिए हमें चाहिए एक गाजर, और इसे हमने छिलकर कद्दूकस कर लिया है और इसका रस निकाल लेंगे 1 टेबल स्पून लेंगे, और इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून हनी। दोनों को मिलाकर एक पेस्ट रेडी करेंगे। अब इसे चेहरे पर लगाकर 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे और इसके बाद गुनगुने पानी से धो लेंगे। ये फेस पैक आपकी ड्राई स्किन की प्रॉब्लम को दूर करेगा। आपको इसे हफ्ते में 2 से 3 बार यूज़ करना है। यह आपकी स्किन को कोमल बनाने में हेल्प करेगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो फ्रेंड रिलेटिव में शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही DIY हेल्थ और ब्यूटी रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thanks for watching. Don't forget to like the video. And don't forget to subscribe.